शाकर दूर जरा उसको फोटो दिखा। क्या मतलब है? मेरा नाम इंशा है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बात कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड 20 मार्च को मिसिंग हो गया। 1 बजे घर से निकले 20,000 लेके और 2 गोल्ड की रिंग। इन्होंने बोला मुझे जाना है मकान पे, हम गांधरबल में फतेहपुरा में मकान बना रहे हैं। इन्होंने बोला मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा शाम तक। मैंने बोला ठीक है। ये उठ के निकले घर से 20 मार्च को, शाम के 9:30 तक ही इतने ही घर वापस आए। बिल्कुल भी 9:30 तक मैं कोशिश कर रही हूँ इसके आने की। फोन इन्होंने अपने घर पे ही रखा था, ये घर नहीं आया शाम के समय। मुझे छोटे छोटे 2 बच्चे, फिर मैं बच्चों को लेके उठ गई, मैं गई थाने में, रिपोर्ट एप्लीकेंट मैंने वहाँ की, मिसिंग रिपोर्ट। तब से लेकिन आज तक 8 महीने हो गए, ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, हर आईजी साहब डीजी साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसको कहीं मिले। अब अगर पुलिस भी काम कर रही है ढूंढने के लिए, आप भी बोल रहे हैं आपने पोस्टर्स भी लगाए हैं, तो प्रेस कॉलोनी में आने का क्या मकसद है? प्रेस कॉलोनी में मुझे ये मकसद है आने का, अगर इसकी फैमिली को नजीर अहमद करनाई को अपना बेटा मिसिंग है, उनकी बेटियों को अपना भाई मिसिंग है, वो लोग शादी कैसे कर रहे हैं, किस हक से वो लोग शादी कर रहे हैं? किसकी शादी कर रहे हैं? अपने कजन ब्रदर की, उसकी कजन ब्रदर की शादी थी, किस हक से उन्होंने शादी की? अगर उनका बेटा मिसिंग है, शादी उन्होंने कैसे की? तो आपका ये इल्जाम है कि उन्होंने इसको छुपाया? हाँ, क्यों छुपाया वो इल्जाम भी मैं आपको बोलूंगी। इसकी बहन आई वापस, उसको 4 महीने के बाद डाइवोर्स हो गया सकीना को। उन्होंने मुझे फिर कॉल किया, उन्होंने मुझे अपने भाई को, हमारे भाई को इधर भेजो। 5 साल में उन्होंने नहीं ढूंढा मेरे हस्बैंड को। उसके बाद जब उन्होंने कॉल किया, रात को कॉल किया, सुबह मेरा हस्बैंड मिसिंग हो गया। क्यों मिसिंग हो गया मुझे इस बात पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मैं पुलिस से अपील कर रही हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा या कहाँ गए होंगे? वो अपनी फैमिली के साथ है, उन्होंने अपनी नजीर अहमद करनाई ने और फिरदौस अहमद करनाई ने और खुर्शीद अहमद करनाई ने, उन्होंने उसको छुपा के रखा। वो कौन है? वो इसके ब्रदर्स है, क्योंकि वो इससे पहले मुझे कह रहे थे इसको डाइवोर्स दो, इसको घर भेजो वापस। हस्बैंड का आपके साथ रवैया कैसा है? मेरा रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। उनका उनके साथ उसको बहुत बुरा था। अगर आपको लगता है कि वो उनके पास है, इसका मतलब ये हुआ वो कोई बच्चा तो नहीं है, अपनी मर्जी से उनके पास है, तो आप कैसे इल्जाम आयद करती हैं? मगर वो लोग मुझे कॉल पे कॉल, जब उसकी बहन वापस आई वो तो हमें कॉल कर रहे थे हमारे भाई को वापस भेजो। मेरे हस्बैंड की पहली शादी हुई थी, उसको 7 दिन में डाइवोर्स हुआ था, मैं उसकी सेकेंड वाइफ हूँ। मैं दूसरी क्यों हो गई पहली बीवी के साथ उसको 7 डेज में डाइवोर्स? दूसरा भाई उसके साथ है, उसको भी डाइवोर्स हुआ है। तीसरी बहन है, उसको 4 मंथ्स में डाइवोर्स हुआ है। क्यों? अगर उनको भाई मिसिंग है, वो लोग गांधरबल थाने में परसों क्यों गए? मुझे अपने माँ बाप ने मकान दिया, गांधरबल थाने में मैं हो गई, वो हमारा मकान है। आप कोई लेटर अभी दिखा रही थी, क्या मकसद है? नहीं, नहीं। लेटर का मकसद इतना है सर, मैं इलाहीबाग में रहती थी, मुझे आज तक कभी वो लेटर नहीं पड़ी है। वो मुझे धमकी पड़ी थी, आप वहाँ से निकलो। क्यों पड़ी जब मुझे आज तक नहीं पड़ी, कभी नहीं मुझे वो लेटर पड़ी, तो आज क्यों पड़ी मुझे वो? थोड़ा लेटर का तफसील बताइए, कौन सा लेटर था, किसका और किसने आपको दिया वो? वो TRF थी, TRF इंशा वार्निंग उस पे लिखा हुआ था, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई। दी किसने आपको वो? वो मुझे रात को, हम सोए थे, रात को किसी ने गेट पे डाली थी। तो क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की? हाँ, मैंने उसी टाइम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी, मेरा हस्बैंड मिसिंग है। मैं बोलती 8 महीने से अगर वो मिसिंग है, कहाँ है वो? इसकी फैमिली कैसे सुबह निकलती है, इसकी बहनें सुबह निकलती है शाम को आती है। क्या लिखा है उस लेटर में? उस लेटर में लिखा था इंशा वार्निंग, 24 आवर्स में हम आपको जो आप करती हो उससे बाज आ जाओ। मैंने क्या किया था इतना? शो कर वो लेटर। इस लेटर का मकसद क्या है? इन्होंने मुझे ये लेटर क्यों डाली, क्या मकसद है इस लेटर का? ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे दो चीजें कह रही है, तो बता रही है ये लेटर है। इन्होंने लेटर भेजा, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। आप पुलिस के पास ये लेटर लेके गए? मैं पुलिस के पास गई, मगर ये तो सब बोलेंगे ये TRF की लेटर नहीं है, ये TRF की लेटर बिल्कुल नहीं है। आप सीधे देखिए, उनकी स्टैंप है ही नहीं। ये कब आपको लेटर मिली थी? ये 2 महीने की पहले बात है, 2 महीने तक मैं चुप करके बैठी थी, पुलिस पे कोई कार्रवाई करेगी, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तुम्हें इलाहीबाग आप वहाँ पे क्यों रेंट पे थे अगर आपका अपना मकान है? हम मकान बना रहे थे, अभी कम्प्लीट वो नहीं हुआ था, हम मकान बना रहे थे। इसकी फैमिली पकड़ रही है मेरी माँ को सड़क पे, मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा था। क्यों मारा था मेरे बच्चे को थप्पड़? मुझे एक
मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आज ही साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे इंसाफ दो। अगर 8 महीने से मेरा हस्बैंड मिसिंग है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या करते थे आपके हस्बैंड? ये तो कश्मीरी आर्ट्स के साथ थे, कश्मीरी आर्ट्स के साथ ही थे। अब आपकी क्या डिमांड है? मेरी डिमांड है, मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरा हस्बैंड मिले। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरा हस्बैंड मिले। और इसके घर वालों की तरफ उनको इन्वेस्टिगेशन हो जाइए। वो शादियाँ कर रहे हैं, उसकी बहनें घूम रही, इन्होंने 3-3 4-4